खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्य विकास अधिकारी हरदोई निधि गुप्ता वत्स ने सुरसा ब्लॉक के गुरगुज्जा में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले वहां पर साफ सफाई देखी। पानी की टंकी गंदी पाए जाने पर उन्होंने वार्डन को कड़ी फटकार लगाई। शौचालय में लगी खिड़कियों में टूटे शीशे पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने परिसर में लगे डस्टबिन में गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग नियमित रूप से डालने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं से वार्ता भी की तथा उनसे सुविधाओं की जानकारी भी ली। सभी बालिकाओं ने एक स्वर में यहाँ पर इंटर तक की शिक्षा व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई। इसके अलावा सीडीओ ने रसोई का भंडारे का भी निरीक्षण किया तथा खाद्यान्न का स्पेशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए। द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गुरगुज्जा सुरसा ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 93 विद्यार्थी वहां पे उपस्थित थे। उनसे चर्चा की गई कि किस प्रकार वहां पे खाना उपलब्ध होता है, मीना मंच होता है कि नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स उपलब्ध है कि नहीं, जनरल टीचर्स का बिहेवियर किस प्रकार रहता है, इस पर बातचीत करी गई। उनको नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं कि नहीं, रसोइये समय से अच्छा खाना बनाते हैं कि नहीं, या कोई अन्य परेशानी अगर वो उनको विद्यालय में मिलती है। बालिकाओं के द्वारा सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई कि टीचर्स की उपलब्धता कम है। यह सुनिश्चित करा जाएगा जिला प्रशासन के माध्यम से कि टीचर्स वहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्त हो जाएं, और ठंड क्योंकि आ रही है तो ठंड के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था विद्यालय में कर दी जाए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।